अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन, जो कि मैंने शाने दिल्ली की रेसिपी में से देखा था और वही मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये मेरे पास फ़िश है, तकरीबन 9 पीस हैं। तो मैंने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और बहुत थोड़ा सा नाम का नमक, क्योंकि इसमें मछली है, इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो वो मैंने लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये 3-3 मिनट दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगी, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये प्याज है जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है, जिस घी में मैंने मछली फ्राई की थी। और ये पता नहीं मेरे नॉन स्टिकी पैन को क्या हो गया कि इसके साथ मछली चिपक गई है। तो खैर, उसी में मैंने राई और अजवाइन थोड़ी सी डाल दी, और थोड़ी सी खुशबू आने के बाद फिर मैंने प्याज डाल दी। प्याज को मैंने इतना गोल्डन ब्राउन किया है ताकि वो गुलाबी सी गोल्डन हो जाए। खूब भूनने के बाद मैंने साथ साथ इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और उसके बाद सारे मसाले डालने हैं, जिसमें नमक, सुर्ख मिर्चें, जीरा भुना हुआ, धनिया 1 चम्मच, और पानी डालना है ताकि प्याज जो है वो अपना पकना बंद हो जाए। फिर उसके बाद हमने शामिल कर देना है सारे मसाले, नमक, मिर्चें, धनिया। फिर थोड़ी देर में हमने डाल देनी है इसमें दही, दही जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। फिर उसमें दही डाल के इतना भूनूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए, और जब ये खुश्क हो जाएगा फिर मैं आपको उसका मसाला दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पास भुना हुआ पिसा हुआ जीरा नहीं था, इसलिए मैंने तवे पर थोड़ा सा जीरा डाल के उसको टोस्ट कर दिया, फ्राई कर दिया बगैर कुछ भी, और फिर उसको कूट कर इस मछली के सालन में डाल दिया था। और दही भी मैंने डाल दी थी, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी, और ये सब यानी कि मैंने पहले ही भून लिया था। अब मैं यहाँ पर लास्ट क्या कर रही हूँ, मछली मैंने ऐड कर दी है, और उसमें थोड़ा सा जितना मुझे ग्रेवी रखनी है उतना पानी भी मिला दिया। ज्यादा हम मछली को नहीं चलाएंगे, 10 से 15 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे, और ताकि जो बाकी बची कुची अगर उसमें मछली में कसर होगी तो वो भी गल जाएगी। और यहाँ पर मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब लास्ट एंडिंग टाइम है, तो मैंने इसमें कुटी हुई मेथी, इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हाथों में घिस कर मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी, और गरम मसाला और ग्रीन चिलीज मैंने ढक दी थी और फिर फ्लेम ऑफ कर दिया था। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, और ये इसकी फाइनल लुक है जो कि आपके सामने है। बहुत ही मज़ेदार, लजीज, इतनी प्यारी मज़े की बनी थी कि ये मेरा सालन एक ही मरतबा में सब चट हो गया, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये खाकर बहुत मज़ा आया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान। बस मैं मेथी दाना इसमें डालना भूल गई थी कि आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। सेहब इलाफिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।